मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा आसंदी से सवाल पूछने के मामले को गलत बताया। साथ ही कहा कि जब सरकार कांग्रेस विधायकों के आरोपों का जवाब देती है तो वो सदन छोड़कर भाग जाते हैं। क्या है पूरा मामला जो सदन में मीडिया को चोर बोलने को लेकर जो हंगामा हुआ? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो या जीतू जराती ने बोला है, जीतू पटवारी ने बोला है। जीतू पटवारी जी ने आज एक जनसंपर्क का क्वेश्चन था, उसमें मुझसे प्रश्न पूछना था तो आसंदी से पूछ लिया, जो गलत है। अगर कोई आपसंदी से या सचिवालय विधानसभा से किसी को आपत्ति है तो वो व्यक्तिगत मिलकर उस आपत्ति को दर्ज कराता है। मैंने उस पर आपत्ति की कि प्रश्न मुझसे करो, अगर कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं जवाब दूंगा। तो मुझसे जब मुखातिब हुए तो मेरी दाढ़ी और मूंछों पे चर्चा करने लगे, जैकेट पे भी। जैकेट पे भी मान लो, जैकेट की अच्छी बात कर दी, अब जैकेट मेरी अच्छी है वो ले ले, लेकिन प्रश्न जैकेट का नहीं है, प्रश्न है इनका उत्तरों से भागने का। कल इन्होंने मुख्यमंत्री जी से 7 सवाल करे, 7 बार कहा मुख्यमंत्री जी इसका भी जवाब दें, और जब मुख्यमंत्री जी खड़े हुए तो हाउस से गायब। आज मुझे जवाब देना है, हाउस से गायब। और अपने भाई की कोई छपी जो रामेश्वर जी ने कहा, विश्वास भैया ने कहा, जो बात वहां छपी है अखबार में उसके लिए आप इस फ्लोर का उपयोग कर रहे हो, और उस एक के गलती की अगर मान लो गलती है तो पूरे मीडिया को आप कह रहे चोरों को विज्ञापन देते हैं, ये क्या तरीका है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे चला रहे हैं। और जीतू पटवारी का एक ही क्वेश्चन था लोग दोनों का? नहीं, एक ही तो नहीं था पर लगभग मिलता जुलता था। तो ये तो हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना है कि ना तो उन्होंने कि मीडिया को चोर बोला है, ना ये जो बोला है जीतू पटवारी ने बोला है, और उनके बीजेपी की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। कैमरामैन शाजिब के साथ जुबैर कुरैशी, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।